तो कितना भी अच्छे माहौल में रहो थोड़ा पीस मिलेगा आनंद बाद में नहीं, ऐसा ज्ञान पाओ कि तुम जहां जाओ वहां तुम्हारा परमेश्वर सब देश में है, परमात्मा सब काल में है, परमात्मा सब वस्तु में सत्ता रूप से है। उसका ज्ञान हो जाएगा तो आप जहां भी जाओगे सदा समाधि संत की आठों पर आनंद। अभी अगर एटमॉस्फेयर अच्छा है तो आनंद है, फिर घर गए तो दुखी नहीं। हम कहीं भी जाते आनंद रहता, इधर रहते तो भी आनंद, जहां भी जाते आनंद। आनंद अपना आत्मा है, बाहर के वातावरण से आनंद तो उदाहरण आनंद है। एटमॉस्फेयर का थोड़ा लाभ ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर के अधीन नहीं होना। अपना सुख आप, हर परिस्थिति के बाप। इधर अच्छा नहीं इधर जाओ, इधर अच्छा नहीं इधर जाओ तो भटक जाएगा। जहां अच्छा नहीं लगे वहीं रहकर दिखा। तो मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर ऐसा दया किया कि मैं तो उनका बड़ा आभारी हूं। हम जब गुरुजी के पास गए 22 साल की उम्र में, घर वालों ने शादी वादी करा दी तो हम तो अलग, फिर उनको समझा के गए गुरु के पास। तो फिर गुरु जी ने बोला जाओ फलानी जगह रहो। तो वो जगह ऐसा था, अब गुरु जी को भी पता नहीं था, किसी ने बताया बनाया था कोई जगह का टुकड़ा, एक कमरा बना दिया, लिख दिया लीला साहब आश्रम। तो मेरे को बोला वहां रहो, तो पास में तो झोपड़पट्टी थी, अब बहुत अल्लाह गुल्ला था। तो मैं तो रहता था नर्मदा किनारे शांत गुफा में। तो मैं गुरु जी को चिट्ठी लिखा था, इधर तो ऐसा है ऐसा है, मेरे को तो अनुकूल नहीं पड़ेगा, आप आज्ञा करो तो मैं अपने उधर गुफा में रहूं नर्मदा किनारे, मियां गांव के पास, भरूच के पास, नर्मदा किनारे। गुरु जी ने कहा नहीं, उधर नहीं जाना, वहीं रहो। फिर महीना दो महीना हुआ तो देखा तो झोपड़पट्टी वाले सारा शोर बकोर, और ध्यान भजन भी इतना अच्छा होता नहीं। रात को कुत्ते भौंकते, दिन को ये भील कर ये बागड़ी कौम के बच्चे गालियां देते रहते, वही डस्ट उड़ता है धुआं। फिर गुरु जी को चिट्ठी लिखा कि रात को कुत्ते भौंकते, दिन को बच्चे भौंकते, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप आज्ञा करो तो मेरा नर्मदा किनारे एक संत का कुटिया है, दत्त महाराज दत्त कुटीर, तो कोरल में वहां। तो फिर गुरु जी का चिट्ठी आया 15-20 दिन के बाद, कुत्ते भोगते तो तुम्हारा क्या जाता है, ओम ओम बोलते ऐसा क्यों नहीं सोचते, और वो भूल के लड़के भोगते तो वो भी आकाश में गया, तुम्हारा क्या, वहीं रहो। ऐसे करके 7 साल हम वहीं रहे। तो इतना पक्का बना दिया गुरु की कृपा ने कि अब हम कहीं भी जाते तो हमको कोई डिस्टर्ब नहीं होता ज्यादा। जहां जाओ अपनी खुशी, अपना आनंद, अपना ज्ञान, अपना मस्त। अब ये गंगा किनारे रहने वाला नर्मदा किनारे जाएगा तो प्रॉब्लम है, उड़ीसा का रहने वाला इधर आएगा तो अच्छा लगेगा, उधर जाएगा तो अच्छा बुरा सब सपना है, उसको जानने वाला प्रभु अपना है, बस पावरफुल। एक दिन तो मौत भी आएगी, तो अच्छा भी छूट जाएगा, बुरा भी छूट जाएगा, पत्नी भी छूट जाएगी, पति भी छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, फिर भी जो नहीं छूटेगा वही हमारा अपना आपा है। ऐसा पावरफुल ज्ञान रखना चाहिए। एक दिन तो पति पत्नी का भी वियोग हो जाएगा ना, शरीर का भी वियोग हो जाएगा, तो ऐसे शरीर तो कई बार मिले कई बार छूट गए तो ये भी छूट जाएगा, इसकी भी तैयारी रखो। जो बात समझ में आती ना तो उसका टेंशन नहीं होता, अभी लाइट चली गई अरे हो लाइट चली गई, लेकिन सूरज डूब गया तो और नहीं कहते हो तो रोज डूब था इतनी जरा सी लाइट ओ लाइट गई, और इतना बड़ा लाइटा चला गया तो बोले कोई नहीं है तो रोज में था। ऐसे शरीर को पैदा होते जाते, सुख भी आते दुख भी आते, मान भी आते अपमान भी आते, इसी का नाम दुनिया है। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी तो हंसता जाए या रोता जा, तो काय को रोए, फिर हंसते रहो मजा लो, इसी का नाम दुनिया है।